पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये दास्तां है एक निहायत ही खूबसूरत अभिनेत्री की, जिसने मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट जीता और इस खिताब के साथ दाखिला लिया फिल्म इंडस्ट्री में। इन्हें सब सोनू वालिया के नाम से जानते हैं, हालांकि इनका जन्म का नाम था सोनिया। इनका जन्म हुआ 19 फरवरी सन 1964 में। इनके पिता इंडियन आर्मी में काम किया करते थे। इन्होंने जर्नलिज्म और साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन की और उसके बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखे। हाँ हाँ, आगे बोलो। तकरीबन 5 फुट 8 इंच इनका कद, दिल्ली की निहायत ही खूबसूरत पंजाबन जब मॉडलिंग की दुनिया में आई तब आग लगा दी। उसके बाद ये मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पहुंची और अपने दमखम से, अपनी खूबसूरती और अपनी होशियारी से इन्होंने वो कॉन्टेस्ट जीत भी लिया। अक्सर जो मिस इंडिया के साथ होता है, कुछ ऐसा ही सोनिया वालिया के साथ भी हुआ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? फिल्मों में ये नजर आई और फिल्म खून भरी मांग में इन्होंने ऐसा किरदार निभाया जो था तो नेगेटिव, इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। इस फिल्म में इनके साथ थे रेखा और कबीर बेदी। एक तरफ खुद का इस्तेमाल और दूसरी तरफ बेटी। उसके बाद भी कुछ फिल्मों में ये जरूर नजर आईं। इन्होंने फिल्म आकर्षण में कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स दिए जिनसे इनकी इमेज एक बोल्ड हीरोइन की बनी, जो स्विम सूट और साड़ी हर पोशाक में निहायत ही खूबसूरत लगती रही। एक बार अपने इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा कि जब ये बॉलीवुड में आई तब अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र और फिरोज खान जैसे सुपरस्टार्स दरअसल रिटायरमेंट के नजदीक जा रहे थे और जो यंग हीरोज आए वो कद में इनसे निहायत ही छोटे थे, इसलिए इनकी जोड़ी किसी भी नए हीरो के साथ ना बन पाई। डैडी, हम अपने मकसद में 50% कामयाब हो चुके हैं, बाकी 50% वो भी जल्द ही कामयाब हो जाएंगे। ये टेलीविजन सीरियल्स में भी नजर आई, फिल्मों में इनकी बात ज्यादा बन नहीं रही थी और तब इन्होंने वो फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। इन्होंने मिस्टर सूर्य प्रकाश से शादी कर ली, जो कि अमेरिका में रहते थे और भारतीय मूल के थे। इनकी एक बेटी भी है। बाद में ये अपने पति के साथ चेन्नई शहर में जाके बस गईं। वहां पर तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी इन्होंने बहुत कोशिशें की, पर हिंदी फिल्मों से एक बार किनारा कर लेने के बाद सोनू वालिया दोबारा सही तरीके से फिल्मों में वापस ना आ सकी। ठीक कहते हो तुम, कभी तो भुगत रही हूं। ये मल्टी स्टारर फिल्म खेल में भी नजर आई थी। कई बरसों के बाद सोनू वालिया ने बॉलीवुड में दाखिला लेने की कोशिश की, पर सभी कोशिशें तकरीबन नाकाम सी साबित हुई। बुरा होगा, अभी कौन सा अच्छा हो रहा है जो बुरा होगा? और बहुत ही कम समय में अपने बोल्ड किरदारों और अपने हॉट सीन्स की वजह से सोनू वालिया ने वो नाम अर्जित कर लिया जिसके लिए बहुत सारी अभिनेत्रियां तरसती रहती हैं। मैंने अपने सारे दोस्तों के लिए पार्टी रखी है, तुम्हें भी इनवाइट करने आई हूं। यकीनन 80 के दशक के मध्य और 90 के दशक की शुरुआत तक सोनू वालिया एक जाना माना चेहरा बनी रही और सदा सदा के लिए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास का हिस्सा बन गई। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।